चलिए दोस्तों, अब जानकारी लेते हैं परमाणुओं की खोज से पहले की। दोस्तों, डेमोक्रेटस ने सबसे पहले एटम या जिसे हम परमाणु बोलते हैं उस पर विचार लगभग 2500 साल पहले दुनिया के सामने पेश किया था। डेमोक्रेटस एक महत्वपूर्ण मीमांसक या कहें तो दर्शन शास्त्र के ज्ञाता थे। हालांकि वो यूनानी दार्शनिक अरिस्टोटेलस से कम प्रभावशाली थे, जो कि डेमोक्रेटस के लगभग 100 साल बाद तक रहे थे। अरिस्टोटेलो ने डेमोक्रेटस के परमाणु विचारों को खारिज कर दिया था। एटम की सुविचारित धारणा या इस संकल्प को पश्चिमी वैज्ञानिकों ने 1600 के दशक में स्वीकार किया, जब तक कि 1900 ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में मुख्य मीमांसकों के साथ साथ उत्पन्न नहीं हुआ। प्रकृति के एक मुश्किल अविभाजित कण के बारे में उनकी अटकलों को धीरे धीरे प्रयोग और नीति समीकरणों द्वारा बदला गया। दोस्तों, वर्तमान समय के भौतिक विधियों को यह पता चला कि ये वास्तव में विभाजनीय है। 2000 साल से अधिक समय हो गया है और ये कठोर और बदलाव जन्य नहीं है। दोस्तों, कहते हैं कि वैज्ञानिक ल्यूसिफिकस ने परमाणु दर्शन की निर्माण किया था। उनके प्रसिद्ध विद्यार्थी एपडोरा के डेमोक्रेटस ने भारयुक्त वस्तु को एटमोस के बिल्डिंग ब्लॉक्स का नाम दिया, जिसका अर्थ अविभाजनीय है। लगभग 430 ईसा पूर्व डेमोक्रेटस का कहना था कि परमाणु एक समान सख्त और प्रासंगिक और या जिसे समचिन्ह न होने वाला और अविनाशी है, और वो तब तक अनंत संख्या में जाते रहेंगे जब तक कि उनकी खाली जगह नहीं भर जाती। एटम के शेप और साइज के अंतर में वस्तु के ज्वलंत निपुणता को निर्धारित किया। डेमोक्रेटस के निष्कर्ष में परमाणु न केवल वस्तु के लिए मौजूद थे, बल्कि धारणा और मानव आत्मा की निपुणता के लिए मौजूद थे। उदाहरण के लिए, खट्टापन जो है वो एक आकार के परमाणु के कारण होता है, जबकि रंग जो है वो सफेद हम्बल परमाणु के कारण होता है। आत्मा के परमाणुओं को विशेष रूप से ठीक माना जाता है। वास्तविकता के बारे में दो असंबंधनीय ग्रीक सिद्धांतों और परिवर्तनों के भ्रम में दोनों के बीच डेमोक्रेटस ने खुद के परमाणु दर्शन को एक माध्यम जैमिट के रूप में विकसित किया। उन्होंने बताया कि इसको अविभाजित और आवर्तनीय कणों में विभाजित किया गया, तब जब वो जुड़ने दूसरों से अलग होने पर बदलाव की स्थिति बना देते। सैमोस के दार्शनिक एपिक्यूरस ने अविश्वासी यूनानियों के डर को शांत करने के लिए डेमोक्रेटस के विचारों की मदद ली। एपिक्यूरस के भौतिकवादी ज्ञान के अनुसार ये पूरा ब्रह्मांड खासतौर से परमाणु और शून्य से बना था, और ये भी कि देवता भी प्राकृतिक नियमों के अधीन थी। लाखों साल बीतने के बाद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के निर्माण के लिए क्वार्क एक साथ आया, और कुछ ही मिनटों के अंतर से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नाभिक में बदलाव हुआ। इलेक्ट्रॉन को परमाणु के चारों ओर सभी कक्षाओं जाने के लिए 380,000 साल लग गए, और इस तरह से हमारा पहला परमाणु या जिसे हम एटम कहते हैं वो मिला।